नादा पुलिस ने मुखबिर की सूचना से पकड़ा पारदी। धनादा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कुख्यात पारदी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी कट्टा, कारतूस एवं चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। बता दें कि कुख्यात पारदी पहले ही पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर धरनादा पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल ले जाते हुए इस आरोपी को पकड़ा, जो मोटरसाइकिल धरनादा से 5 दिन पहले चोरी की गई थी। जब उससे पूछताछ की गई तब उसने अपने जुर्म को कबूल किया। पारदी का नाम चांद पारदी, ग्राम बीला खेड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। मैंने ज्वाइन कर लिया था उसने, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पर्वत पारदी की सूचना मिली थी, तो ये लोग गए थे वहाँ पे, तो इन्होंने चांद पारदी ने उसमें जो है वो पुलिस पार्टी पर 4 राउंड फायर किए, तो जिसमें पुलिस की तरफ से रिट्रीट की हिम्मत पारदी और पर्वत पारदी, 2 पारदियों को पकड़ा था उसने। तो तब की घटना है इसने, और इसके लड़का भी है कोई जिसने मेरे ख्याल से फायर किया। तो आज हम लोगों ने इसको चांद पारदी को पकड़ लिया है और जो है वहाँ दिया आज पुलिस द्वारा जो है वो बीलाखेड़ी गांव से एक चांद पिता आकाश पारदी को गिरफ्तार किया गया है। 14,000 का ये इनामी था। इसके ऊपर एक चोरी का मामला है, साथ में जनवरी माह में इसने पुलिस पार्टी जब 2 बदमाश पारदियों को 50,000 के इनामी थे उनको पकड़ने के लिए गई थी, तब इसके द्वारा जो है वो पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई थी, और रीट्रेशन में जो है वो पुलिस पार्टी द्वारा भी उनके ऊपर फायर किया गया था, तो उसमें 307 का मामला पंजीबद्ध था। उसके बाद में इनके ऊपर एक डकैती का प्रयास का मामला भी पंजीबद्ध है, 3 मामले पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको JRP पेश कर दिया। और भी अभी 3 अपराध इसके ऊपर जो है वो हमें मिले हुए हैं, 2 स्थायी वारंट है इसके ऊपर, और भी हम लोग ढूंढवा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इसने क्या क्या वारदातें की है वो भी हम लोग ढूंढ के प्रयास करते हैं।